बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल की माश की धुली हुई दाल जो है वो फ्राई दाल जो है वो बनाना आपको बताऊंगी कि ढाबों में किस तरह से हमें मिलती है और होटलों वगैरह में। तो इसके लिए मैंने आधा किलो जो है माश की दाल ली है। इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, धो के साफ़ करके। छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसकी कटिंग कर ली है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनकी कटिंग कर दी है। एक टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। आधा टेबल स्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चिकन क्यूब जाएगी इसमें, नमक हसबे जायका, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी ली है, कुछ मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, टी स्पून के करीब लगा लें, मैंने सूखी मेथी ली है, ज़ीरा और अजवाइन मैंने लिया है तकरीबन हाफ टी स्पून, ये 4 से 5 लौंग हैं और कुछ इसमें साबुत काली मिर्च है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और साथ में ये अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा तो मैं साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। हाँ जी, बाकी की चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर ये मसाले चले जाएंगे। मसाला फ्राई हो चुका है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। साथ ही चिकन क्यूब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इस तरह से मैश करके। हाँ जी, अब मैं इसके अंदर दाल जो है वो ऐड कर दूंगी। दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ था, भिगोने के बाद भी मैंने इसे पहले भी धो के भिगोया था, भिगोने के बाद भी मैंने जो इसका पानी जिसमें भीगी हुई थी वो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, हाँ जी, ये देखें तकरीबन मैंने 1/2 इंच पानी बस दाल से ऊपर रखा है। ठीक है, अब मैं इसको एक उबाल आने के बाद ढक्कन दे के ढाम के रख दूंगी। उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करती हूँ, इंशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो चुकी होगी। हाँ जी, माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी कि एक अलग अलग सा इसका दाना हमें नज़र आ रहा है। आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।